देखिए लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, उनका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे थे, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। उसी पर हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे, उनके ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिए थे, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आपको सर्च करना वो आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहे थे आपके, वो आप पूरा करा देते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। ये कह रहा है कि अगर कांस्टेंट रखा जाए फोर्स को, तो जो वर्क डन होता है वो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर वर्क डन हम इसमें डब्ल्यू मान के चले, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके उसके डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डी के, ठीक। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ भी रखा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी। एफ यहां पर फोर्स है जो आपको कांस्टेंट दी गई है, ठीक, और डी आपका डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो वर्क डन आपका आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दिया गया है कि ये तो आपका एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, तो हम इसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहां पर W को और D को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम करें लेट W इज इक्वल टू वाई के एंड डिस्प्लेसमेंट इसे आप मान लीजिए D को X मान लीजिए, तो यहां पर आपके पास इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स के, y इज इक्वल टू एफ एक्स के, ठीक है। अब इसका हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो सबसे पहले क्या है कि आप वही एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे अपनी मर्जी से, कुछ पॉइंट्स लेके चला करते थे x में एंड y में। x यहां पर कौन है, x यहां पर आपके पास d है, और w कौन है वो आपने y कंसिडर कर रखा है। अब x की वैल्यूज अपनी मर्जी से रखते चले जाइए, या वे वैल्यूज भी आप रख सकते हैं जो नीचे पूछी गई है। इसमें फर्स्ट पार्ट में जैसे 2 यूनिट पूछी गई है, तो हम पहले 1 रख लेते हैं या 0 रख लेते हैं, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब आपने कोई चीज खिसकाई ही नहीं है, आपने उस पर फोर्स लगा दी और वो खिसकी नहीं गई थी, तो वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी आपका 0 है। फिर आप लेके चलते हैं 2, डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा, 2f होगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने पॉइंट्स आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है जैसे आपको बताया गया था, ये आपका x एक्सिस है और x कौन मान रखा है आपने, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आप इधर इस पर प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को इधर से, और जो आपके पास वर्क डन होगा वो आपका ये y एक्सिस पे चलेगा, ठीक है। और इन पॉइंट्स को सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिला है, 0, 0, ये ग्राफ पेपर पे आपके बॉक्स होते हैं, ठीक है। यूनिट आप लिख सकते हैं 1 बॉक्स इज इक्वल टू या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बॉक्स की जो आपकी डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर की इक्वल होती है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1f के, ठीक, 1f जो है या 1 यूनिट के उसके इक्वल होगी। तो इधर तो ये आपके f चलेंगे और इधर आपके कॉन्स्टेंट नंबर चलेंगे। तो अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपके पास 0, 0, ये तो यहां पे मिल गया 0, 0। फिर जब आपने 2 लिया x पर, तो y पर कितना चलेगा, 2f, 1, 2, ये चले हैं यहां पे, ये आपके पास हो गया 2 एंड 2f, ठीक, दोनों को मिला दीजिए, ये आपके पास लाइन आ गई। अब आपको कहीं पे भी किसी भी डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालना है, मान लीजिए आपको क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 यूनिट डिस्प्लेसमेंट पे आपको वर्क डन निकालना है, तो ऊपर से आप इसे देखेंगे कि ये कहां पर कट कर रहा है, कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 5f आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अभी हमसे
क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में इसके क्या पूछ रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज 2 यूनिट, ठीक है, जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 है तो वर्क डन कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये 2 यहां पे था और ये यहां पे था, तो कितना आया है आपके पास 2 × 2 F, ठीक है, वर्क डन कितना होगा फिर आपके पास, W या वाई जिसे आपने कहा था वो आपके पास हो गया 2 F, और F तो क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो आप इसे यूनिट में लिखेंगे जो भी है, नहीं तो वर्क डन आपका किसमें कंसिडर किया जाता है, वो आपको किया जाता है जूल में, जूल में ले सकते हैं 2 F यूनिट, इफ F इज ए कॉन्स्टेंट फोर्स, F आपने एक कॉन्स्टेंट फोर्स ली है तो 2 F यूनिट के इक्वल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है, F आपकी आपने 2 न्यूटन लगाई या 4 न्यूटन लगाई या 10 न्यूटन लगाई, वो कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी क्या पूछा गया है आपसे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 के डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, वो आपको बताया था कितना होगा, 0 होगा, ये पॉइंट आपका 0 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 पे वर्क डन आपका 0 होगा। ये आपके पास 6 क्वेश्चन हो गया, अब 7 पे चलते हैं। 7 में आपको गिवन है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स ए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यामिनी ने और फातिमा ने दोनों ने क्या करा कि 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अभी आपसे कह रहा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको करनी है, तो हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले कौन है यामिनी, कितना है एक्स है, और इसी तरीके से लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड कौन है, सेकेंड वन इज फातिमा, वो हमने मान लिया वाई क्योंकि बताया तो हमें यानी कितने पैसे किसके पास थे, किसके ज्यादा हो सकते हैं, किसी कम हो सकता है, तो हमने क्या मान लिया कि यामिनी के पास कितने थे एक्स रुपीज थे और फातिमा के पास कितने थे वाई रुपीज थे, दोनों ने इकट्ठा करा और इकट्ठे कितने हो गए वो टोटल 100 रुपीज, और वो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो कितना हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई और किसके इक्वल ले रखता है 100 रुपीज के, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई और इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इजीली। वही आप एक्स के लिए वाई के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट निकाल लीजिए एक्स एंड वाई, अगर हमने एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया मतलब यानी यामिनी के पास कोई पैसा ही नहीं था, है ना, तो केवल फातिमा ने दिया होगा और फातिमा ने दिए होंगे तो फिर कितने दिए होंगे उसने, कितने बेचारे ने 100 रुपीज दिए होंगे। इसी तरीके से अगर मैं मान लू कि यामिनी ने 50 रुपीज दिए हैं तो फातिमा ने भी फिर कितने दिए हैं 50, इस इक्वेशन में रखे सॉल्व करते जा रहे हैं, अगर इसने 20 दिए हैं तो इसने कितने दिए हैं फिर 80, इस तरीके से आप इसमें पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एंड वाई इस तरीके से ये पॉइंट ले लेंगे आप, और देखिए क्योंकि ये यूनिट्स आपकी ज्यादा बड़ी आ रही है ना, 100 और 100 पॉइंट आप गिनेंगे तो वो आपके पेपर पे भी नहीं आएंगे, तो इसमें आप क्या कर लेते हैं यूनिट्स मान के चलते हैं, तो आप 10 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के मान लेते हैं, 10 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, तो जब यामिनी ने कितने दिए थे 0 तो फातिमा ने कितने दिए थे 100, पर 100 के लिए कितने आपके पास सेंटीमीटर यूज करने पड़ेंगे आपको 10, तो एक्स आपका 0 है और वाई आपके पास 10 है, तो पहला पॉइंट आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां भी जाएगा वो पॉइंट आप प्लॉट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपके पास 50 50, 10 से डिवाइड करके आप इनमें निकाल सकते हैं पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि हमने क्या मान रखा है 10 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के, तो 5 और 5, तो सेकंड पॉइंट कौन सा आया 5, जब एक्स इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, 5 ये है और 1 2 3 4 5 एक पॉइंट ये आ गया 50 50, ठीक,
अब दूसरा पॉइंट वही 20 एंड 8, 2 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब x = 2 है तो y = 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे 9 पे आएगा। दूसरा पॉइंट दोनों को आप इस तरीके से मिला देंगे तो सारे पॉइंट जितने भी आपने लिए हैं वो सारे के सारे इसी लाइन पे आपके आ जाएंगे। यही आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक कम अमाउंट जमा कर रहा है तो दूसरे को ज्यादा करने पड़ रहे हैं। अगर इसने 20 करे तो इसने 80, अगर ये 20 करती तो फिर से 80 देने पड़ते, ठीक है ना। उसी तरीके से वो ग्राफ आपका ड्रॉ होता चला जाएगा। ग्राफ पेपर पे करेंगे इसे आप तो क्लियरली आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन में आपको गिवन है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो फारेनहाइट में किया जाता है। वैसे हम लोग भी फारेनहाइट में करते हैं जब आप फीवर को मापते हैं, ठीक है ना। थर्मामीटर के अंदर फीवर जब आप मेजर करते हैं कितना फीवर है आपका, 98.1 है या 98.2 है, वो फारेनहाइट में होता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो आता है कि आज इतना टेम्परेचर है, आपका जो गर्मी है उसे मापते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर है या 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो आप सेल्सियस में मापते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका कि यूएसए और कनाडा में जो मेजर किया जाता है वो फारेनहाइट पे किया जाता है। वेयर कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर मेजर इन सेल्सियस, भारत में आपका सेल्सियस में ये मापा जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है जो फारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करती है, यानी कि एफ इज इक्वल टू, एफ यहाँ पर आपका फारेनहाइट है, इक्वल टू 9/2 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। ये आपके पास इसमें एक रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन से फिर आपका पहले तो ग्राफ ड्रॉ कराया गया है और ग्राफ के बाद फिर आपसे नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जब आप फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स के अंदर जब आप टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। एक चीज वहां पर आपको और मिलेगी, केल्विन। केल्विन भी आपका एक मेजरमेंट के लिए यूनिट होती है टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें भी आपका रिलेशन इसके साथ में दिया जाएगा। पर यहां पर हम केवल एफ की फारेनहाइट की और सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो एफ को तो आप ट्रीट कीजिए एज ए वाई इज इक्वल टू 9/5 और सी को आप ट्रीट कीजिए एज ए एक्स प्लस में 32, ठीक है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई और यहां से आप x एंड y की वैल्यूज लेके चलेंगे। सबसे पहले x = 0 ले लीजिए, x = 0 लेंगे तो y = कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ग्राफ आपको फिर वही ड्रॉ करना है। ज्यादा बेटर क्या होता है कि जो हमें नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमें गिवन है, उसमें जिन चीजों को कन्वर्ट कराया गया है, जिन इवेंट्स को कन्वर्ट कराया गया है, उनमें से पॉइंट आप लेके सॉल्व कर लें तो वो पॉइंट आपके एग्जैक्ट आपको मिल जाते हैं। फिर ग्राफ पेपर पर उन्हें प्लॉट करके फाइंड करने में ऑर्डिनेट को या अक्षीय को आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ, पहले तो ग्राफ ही करवा रखा है, फिर इसने कह रखा है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, अगर सी को आप यानी कि एक्स को आप 30 ले लें तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या होगी। C इज इक्वल टू 30 यानी कि x इज इक्वल टू 30 रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे जब 30 यहाँ पे रखेंगे 5 से कटेगा, 5 6 जा और 6 9 जा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 54 और 54 में 32 आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 86, ठीक है। फिर आगे इसी तरीके से जितने भी इसमें क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं वो सब आप पहले ही निकाल लीजिए। फिर आपको दे रखा है फारेनहाइट 95 है, ये 95 अब की बार यहाँ पे 95 रख के तब इसे सॉल्व कर लीजिए और एक्स की जो वैल्यू आएगी फिर नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्ट। यहाँ पे 95 रख के लीनियर इक्वेशन है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको दे रखा है टेम्परेचर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री पर हमने निकाल दिया कितना है 32 आया है। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये कह रहा है कि किस जगह पे जाके y और x आपका इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू x रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट पार्ट की, इसकी फिफ्थ की, फिफ्थ में आप क्या करें कि y की जगह x कर लें। ये कह रहा है कि न्यूमेरिकली दोनों सेम होने चाहिए यानी कि फारेनहाइट और सेल्सियस।
तो इसकी जगह मैं x रखता हूं, तो x इज इक्वल टू 9/5x प्लस में 32। इसी तरह ले आइए x माइनस में 9/5x इज इक्वल टू 32 के, ठीक। यहां से अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x/5 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं आप, और ये हुआ आपके पास इक्वल टू 32 के। देन x इज इक्वल टू -32 × 5/4, 8 टाइम्स -40°। यानी कि जब आपका सेल्सियस यूनिट जो होगी -40 होगी, तब फारेनहाइट यूनिट भी आपकी -40 ही होगी, ठीक है ना। तो ये इक्वल है। अब आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, पहला पॉइंट है 0, 32। देखिए ये यूनिट्स आपकी फिर से वही बड़ी हैं, तो आप इसमें कुछ भी मेजर, कुछ भी आप इसमें मान सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। हम 10 के लिए मानते हैं 10° = 1 cm के, ठीक है। डेसिमल में आएंगे, डेसिमल के लिए क्या है आपके पास, जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो जो कंप्लीट आ रहा है उसके लिए तो आप पूरा 1 cm लेके चलेंगे, और जो डेसिमल में आएगा अंदर इसके बीच में आपके 10 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो उतने ही पॉइंट्स आपको बॉक्सेस के गिन के प्लॉट कर देने हैं। जैसे पहला आपके पास आया 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है वहां पे 32 है, 32 को उसी तरीके से 10 से डिवाइड करेंगे, 32/10 ये आपके पास आया 3.2। तो 3 बॉक्सेस तो पूरे 1, 2, 3, और आगे छोटे बॉक्सेस 2 लेके चलने हैं हमें, 2 बॉक्सेस लेके चलेंगे, तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0 and 32, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 30 and 86, 10 से वही डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1, 2, 3, और y एक्सिस पे यानी कि अपर ये कितना आएगा आपके पास 8.6। तो 3 पर 8.6 चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8.6 यहां तो कहीं पड़ेगा ये 8.6। तो ये आपके पास हो गया 30 and 86। इस लाइन को आप मिला दीजिए, ये आपके पास ग्राफ हो गया। मेजरमेंट आप जरूर लिख देंगे कि 10° = 1 cm, ग्राफ पेपर के ऊपर ही लिखते हैं आप, ठीक है ना। तो अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर -40 क्या होगा आपके पास, x की वैल्यू -40 यानी कि -4, 1, 2, 3 and 4, -4 यहां पर है ये, ठीक है। और तो इस कंडीशन में ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ रही, ग्राफ पेपर पर आपके पास एग्जैक्ट आएगी, तो -4 पर आप चेक करेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू भी आपकी -4 ही आएगी, वो यहां पे कहीं पे पड़ेगा आपके पॉइंट। ये हमारा ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लाइनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग कर लेते हैं या लाइन स्ट्रेट नहीं खींचती, पर ग्राफ पेपर पर आपके पास एग्जैक्टली बढ़िया ग्राफ आएगा और सही आएगा, और ये यूनिट्स भी आपकी बिल्कुल इक्वल आएंगे, तो -4 पर y की वैल्यू भी -4 ही आ जाएगी आपके पास। तो वह आप करके देखेंगे, ये तो एक्सरसाइज हुई आपकी पूरी। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। देखिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए क्या होता है आपके पास, इसे आप ग्राफ पेपर पे ही देखेंगे डायरेक्टली, एक्सरसाइज में तो नेक्स्ट में कुछ ऐसा खास है नहीं। 4.4 में हम पहले से समझेंगे कि कब लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं x और y के। 4.3 में लाइंस पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस के पैरेलल कब होंगी लाइनें। देखिए यदि हमारे पास इक्वेशन थी ax + by + c = 0, ठीक है, अगर हमारे पास y का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, y का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो इफ b = 0, यहां b = 0 आ जाए तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ax + c = 0 के, और यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी निकल के -c/a, ठीक है। तो जब आपके पास b 0 हो या इसमें इक्वेशन में y ना हो, तब ये ग्राफ आपका x एंड y,
तब इसका ग्राफ आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यानी कि जिसका भी कोएफिशिएंट आपका जीरो है उसी के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट जीरो था, केवल इक्वेशन आपकी एक्स में थी, तो ये आपका एक्स इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर में हो या नॉन इंटीजर में हो, कुछ भी हो, मान लीजिए इधर पड़ रहा है एक्स इक्वल टू समथिंग यहाँ पे चले गए, तो ये आपकी लाइन या इधर आ सकती है या इधर आ सकती है, बट वो पैरेलल रहेगी वाई पे। एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ये इधर भी हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। इस टाइप की मैं इक्वेशन एक लिख देता हूं, जैसे कि आपको दे रखा हो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू फाइव पे, और यहां से आप जीरो जीरो से फाइव पॉइंट करके ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। देखिए इसमें वाई नहीं है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आपके पास ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो गया तो एक्स नहीं रहेगा उसमें, तब आपके पास क्या होगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के एंड वाई इज इक्वल टू माइनस में सी अपॉन बी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास जब उसमें एक्स नहीं होगा इक्वेशन में या एक्स का कोएफिशिएंट जीरो होगा, तब ये लाइनें आपकी एक्स के पैरेलल जाएंगी। ये तो आपका ओ था ओरिजिन जीरो जीरो, या तो ऊपर होगी या नीचे जाएंगी। ये आपके पास लाइन आगे क्या वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ये वाली भी वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। हम ऊपर और नीचे हमें नहीं पता ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो नीचे और प्लस में आएगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स अगर माइनस में आएगा तो इसके वाई के लेफ्ट में आएगा, और एक्स अगर प्लस में आएगा तो वाई के राइट में आएगा। इस चीज को बस आप इसमें ध्यान रखें, बाकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन को हम पढ़ के ही देख लेते हैं। देखिए गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री, सबसे पहले क्वेश्चन आपको आ गया है कि वाई इज इक्वल टू थ्री एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिल्कुल सही है, वन वेरिएबल में ये इक्वेशन, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में हम लिख सकते हैं इसे कैसे, जीरो एक्स प्लस में वाई माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू थ्री वो लिख सकते हैं हम, बट ये एक्चुअल में क्या है वन वेरिएबल में एक इक्वेशन है। और अगर इसे ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे वाई इक्वल टू थ्री को, तो वाई इक्वल टू थ्री वन टू थ्री ये पॉइंट आपका आएगा, और इसे लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे वाई इक्वल टू थ्री के, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो के, यहाँ पे टू एक्स प्लस नाइन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस नाइन अपॉन टू, और माइनस नाइन अपॉन टू इधर कहीं पड़ेगा 4.5 लगभग, तो यहां पर आप इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा मैंने आपको बता ही दिया है कि कब आपकी ये y एक्सिस के लेफ्ट में पड़ेगी, कब y एक्सिस के राइट में पड़ेगी, कब x एक्सिस से अबव पड़ेगी कोई लाइन, और कब x एक्सिस से लोअर पड़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चन को आप लोग पूरा करेंगे, एग्जाम्पल सारे करेंगे। ये चैप्टर आपका आज पूरा हो गया, फोर्थ एक्सरसाइज भी सारी हो गई, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी बुक अगर आप कर रहे हैं अदर इससे एनसीईआरटी से, तो उसमें भी कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो आपके सामने, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। किसी भी सेशन में प्रॉब्लम्स को इकट्ठी करके प्रॉब्लम्स आपकी करवा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मैथ्स के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए, थैंक यू।